और अब खबर अजमेर से, जहां कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। सामने आया है कि गिरफ्तार शाहरुख खान जमीनों के कारोबार से जुड़ा है। वहीं कुख्यात आनंद पाल सिंह के फरारी प्रकरण में गिरफ्तार केसर सिंह और उसके साथी रामा गुर्जर का परिचित भी है। शुरुआती पूछताछ में शाहरुख का कहना है कि उसने वो हथियार भरतपुर से खरीदा था, लेकिन हथियार किस मंशा से खरीदा गया पुलिस अभी उसका खुलासा नहीं कर पाई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि श्रमजीव कॉलेज के सामने वहाँ पेट्रोल पंप के पीछे वैशाली नगर में एक व्यक्ति देशी कट्टा और कारतूस लिए हुए घूम रहा है। इस इतला पर दबिश देकर पकड़ा तो उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक कारतूस मिला। उस व्यक्ति का नाम शाहरुख सनोफ सुल्तान चिता निवासी चोरसी आवास का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा के आउली रोजड़ी गांव के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने गुरु के नाम को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक को ग्रामीणों ने मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। आर के पुरम थाना पुलिस ने फिलहाल पासको में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आउली रोजड़ी गांव के राजकीय विद्यालय की छात्राओं ने आरोपी अध्यापक तेज बहादुर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। उसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया और तेज बहादुर को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्होंने गांव से जब फोन किया था तो पुलिस मौके पहुंच गई थी। वहां से इसको तेज बहादुर सिंह को भी हम हमारे साथ ले आए, अभी तो उसको 151 में गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामले में वांछित एक आरोपी को पकड़ने गई जयपुर की शाहपुरा पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया। हमले में थाना प्रभारी अमीर हसन समेत 7 पुलिस कर्मियों को चोटें आई है, जिनका शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी समेत 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अमीर हसन के मुताबिक आरोपी सुरेश रोलानिया के खिलाफ शाहपुरा थाने में जमीन को लेकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज था। इसी मामले में शाहपुरा पुलिस आज सुबह आरोपी सुरेश को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसके परिजनों ने पुलिस पर लाठियों से हमला बोल दिया। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च और मिट्टी फेंककर सुरेश को छुड़ाने की कोशिश भी की। हमले में कांस्टेबल हवलदार सिंह का सर फूट गया और अमर सिंह का हाथ फ्रैक्चर हो गया।